ममल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिणुमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक दृष्टि की विशेषताओं की चर्चा हो रही है। कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन क्यों करता है, तो यहाँ बता रहे हैं कैसे करता है और क्या होता है। गाथा नंबर 206 निकालिए। सेवन्तो वीण सेवदी, सेवन्तो वीण सेवदी, असेव माणो विसेव गो कोवी, असेव माणो विसेव गो कोवी, पगरण चेठा कसवी, पगरण चेठा कसवी, नय पायरणो तिसो होदी, नय पायरणो तिसो। बोलो, सेवन्तो वीण सेवदी, असेव माणो विसेव गो कोवी, पगरण चेठा कसवी, नय पायरणो तिसो होदी। फिर बोले, सेवन्तो वीण सेवदी, असेव माणो विसेव गो कोवी, पगरण चेठा कसवी, नय पायरणो तिसो होदी। एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। सेवन्तो वी, सेवन करता हुआ भी, न सेवदि, सेवन नहीं करता, और असेव मानो भी, और सेवन नहीं करता हुआ भी, सेवगो सेवन करता है कोई सम्यक दृष्टि जीव। क्या अर्थ हुआ? कोई सम्यक दृष्टि सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, और सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करता है। पगरण चेठा कसवी, कसवी किसी की पगरण कार्य संबंधी क्रिया होती है, दिखती है कि ये कार्य संबंधी क्रिया में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी णय किंतु नहीं होता, पायरणोति कार्य करने वाला वह नहीं होता है। क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे जिसका लगाव है जिस कार्य से, और वो उस कार्य को नहीं कर रहा हो, किसी और से करा रहा हो या कोई और कर रहा हो, तो प्राकरणिक कौन होता है? जो बैठा है, काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जिसका उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट है। और कोई कैसा है? सेवन नहीं कर रहा है फिर भी सेवन करता है, यदि उसका इन्वॉल्वमेंट है तो। दो बातें बहुत अच्छी तरह बताई। देखें, सेवन करता हुआ भी, सेवन तो भी, न सेवदी, सेवन नहीं करता, और असेव मानो भी, सेवन नहीं करता हुआ भी को भी माने कोई सम्यक दृष्टि सेवन करता है। पगरण चेठा कसवी, कसवी किसी की कार्य संबंधी क्रिया तो होती है, निर्णय किंतु नहीं, पायरणोति कार्य करने वाला वह किंतु नहीं होता है, वो कार्य करने वाला नहीं होता, क्योंकि कार्य करते हुए भी उस कार्य के साथ उसका जुड़ाव नहीं है। बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। अर्थ देखें, कोई सम्यक दृष्टि रागादि भाव के अभाव के कारण विषयों का सेवन करता हुआ भी उनका सेवन नहीं करता, और अज्ञानी विषयों में राग भाव के कारण उन्हें सेवन न करता हुआ भी सेवन करने वाला होता है। जैसे किसी पुरुष की कार्य संबंधी क्रिया तो होती है,
किंतु वे कार्य करने वाला नहीं होता। पंडित जी, सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करने वाला कैसे? जैसे कोई मुनिराज भोजन करते हैं, उन्हें अपने शरीर की स्थिति के लिए भोजन करना पड़ता है, लेकिन उनका भोजन सेवन करने में या भोजन करने में कोई राग नहीं होता। तो राग नहीं हो तो सेवन करते हुए भी वो जीव सेवन करने वाला नहीं होता है। जैसे आप सबने भरत चक्रवर्ती की वो कथा सुनी होगी, कोई भरत चक्रवर्ती के पास आया, आप कैसे छायिक सम्यक दृष्टि हैं, इतने बड़े शासन का भोग करते हुए भी, और आप कैसे है कहते हैं सम्यक दृष्टि है, भोगता नहीं, ऐसे कैसे? तो आपने सुना होगा, उन्होंने उससे कहा एक दीपक ले जाओ, जलता हुआ घी पूरा भरा हुआ है, और मेरी सारी रानियां रनवास को देख के आओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दीपक बुझ गया या घी फैला तो वही तुमको फांसी दे दी जाएगी। वो व्यक्ति उसको लेके और सब जगह गया, सारे रनवास में घूम के 1.5 घंटे बाद आया। महाराजा भरत ने पूछा क्यों मेरे महल कैसे लगे? उन्होंने कहा महाराज महल मेरे आँखों के सामने आए तो सब, मैंने देखे नहीं। क्यों? मुझे लौ की चिंता थी, घी की चिंता थी। तो सेवन करते हुए भी राग न होने के कारण वह सेवन करने वाला नहीं होता, ऐसा उदाहरण इसमें दिया है। तो सम्यक दृष्टि क्रिया करता हुआ तो दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें वह लगा हुआ रागी नहीं होता है। गाथा 206 का पद्यानुवाद देखिए। लो भोग भोग कर भी मुनि हो न भोगी, भोगे बिना जड़ कुधि बन जाए भोगी, इच्छा बिना यदि करे कुछ कार्य त्यागी, कर्ता कथम फिर बने पर का विरागी। जो अन्य के साथ नहीं राग रखता है वह करते हुए भी कर्ता नहीं होता। आइए गाथा नंबर 207 देखते हैं। पोगल कम को हो, पोगल कम को हो, तस विवागो दयो हव दिए सो, तस विवागो दयो हव दिए सो, न द्वेष मध्य भावो, जानग भावो दुआह मिको, जानग भावो दुआह मिको। बोलिए पोगल कम को हो, तस विवागो दयो हव दिए सो, न द्वेष मध्य भावो, जानग भावो दुआह मिको। पोगल कम को हो, तस विवागो दयो हव दिए सो, न द्वेष मध्य भावो, जानग भावो दुआह मिको। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। पोगल कम पौद्गलिक कर्म रूप को हो क्रोध है, तस उसके विवाग उदो विपाक का उदय होने पर हवदि होता है ऐसा यह, लद्वेष नहीं है यह मध्य भावो मेरा स्वभाव, जानक भावो दु अहम इक्को, अहम इक्को मैं तो एक, जानक भावो ज्ञायक भाव रूप हूँ, मैं क्रोध रूप नहीं, मैं कैसा हूँ, मैं तो ज्ञायक भाव रूप हूँ। क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं क्रोध क्या है, पुद्गल कर्म है, द्रव्य कर्म, जब उसका फल देने का समय आता है तब उसके फल के अनुसार
मुझ में क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव किसे कहते हैं? जो बिना किसी कारण के होता है। मेरा स्वभाव है जानना, देखना, ज्ञायक भाव। तो ज्ञायक भाव किस कर्म के उदय से हुआ? किसी कर्म के उदय से नहीं। क्यों? मेरा स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव किसी कर्म के या किसी अन्य कारण से नहीं होता, वो तो त्रिकाल उसमें पाया जाता है। तो मैं तो ज्ञायक भाव स्वभावी हूँ, तो ये क्रोध कहाँ से आया? क्रोध तो क्रोध कर्म के उदय के कारण ये हुआ। ये मेरा स्वभाव नहीं, ये तो मेरा विभाव है। अतः इसको मैं अपना कैसे मानूं? ये मेरा नहीं, मैं तो मात्र गायक स्वभावी हूँ, ऐसी भावना रखता है। एक बार फिर समझिए, पुग्गल कम्मम को हो, क्रोध क्या है? पौद्गलिक कर्म रूप है। तस्य विवागो दौ, उसके विपाक का उदय ऐसो हवदि, यह ऐसा होता है। नदु एस मज्ज भावो, एस मज्ज भावो न, यह मेरा स्वभाव नहीं है। अहम एको जानक भावो, मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव मात्र हूँ। ऐसा समझता हुआ वह क्रोध के उदय में भी कभी क्रोध ही नहीं बनता। क्रोध का उदय आया है, ये तो कर्म के उदय के कारण है, मेरा स्वभाव नहीं। मैं अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव में क्यों जाऊं? इसलिए वो क्रोधादि कार्यों को करने वाला नहीं होता है। कौन? ज्ञानी। अर्थ देखें, सम्यक दृष्टि विरागी जीव ऐसा जानता है कि क्रोध नाम का पौद्गलिक कर्म है, उसके विपाक का उदय ही मेरे अनुभव में प्रतीति रूप से आया करता है। अर्थात जब वो कर्म फल देता है ना, तब क्रोध रूप परिणमन मेरे में होता है। सो यह मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय होने के कारण हुआ है। मैं तो निश्चय से एक ज्ञायक स्वभाव हूँ, इसमें संदेह नहीं, ऐसी उसकी पक्की धारणा अपने बारे में होती है। पंडित जी, ज्ञानी राग को स्वभाव क्यों नहीं मानता? राग आत्मा में हुआ है, इसलिए चैतन्य भाव है, ये तो ठीक है। पर स्वभाव है तो अन्य के कारण क्यों हुआ? अगर राग आत्मा का स्वभाव माना जाए तो आत्मा में बिना किसी अन्य के कारण होना चाहिए। शीशा है, शीशे के नीचे आपने काला डोरा लगा दिया, काले डोरे के कारण वो शीशा अब उतने हिस्से में काला दिखाई दे रहा है। ये कालापन क्या उस शीशे का स्वभाव है? नहीं है। ये कहाँ से आया? ये उस डोरे के कारण आया। तो डोरे के कारण जो कालापन दिखाई पड़ रहा है, ये कांच का स्वभाव नहीं, ये तो उस डोरे के कारण होने वाला कांच का परिणमन है। इसको कहा जाता है विभाव परिणमन। जो अन्य के कारण हो वह विभाव परिणमन, जो स्वभाव होता है बिना किसी कारण के जो पाया जाता है वो कहलाते हैं स्वभाव परिणमन। ज्ञानी जानता है क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, इसलिए क्रोध होने पर वो उसमें रस्ता पसता नहीं। पंडित जी, ऐसा चिंतवन कब करना चाहिए? संसारी अवस्था में सुख दुख रूप, राग द्वेष रूप, संयोग वियोग रूप, अच्छे बुरे रूप, धन की प्राप्ति नुकसान रूप, रोगी और स्वास्थ्य रूप, ऐसी दशाएं निरंतर होती रहती हैं। जो भी जब तक संसार में है ये विभिन्न दशाएं हमेशा होती रहती हैं। तो जब भी ऐसी दशाएं हों उस समय ये चिंतन करना चाहिए। इस चिंतन से लाभ क्या होगा? मान लो रोग हो गया और रोग होने पे आप व्यथित हुए, पीड़ा होने पे आप दुखी हुए, तो असाता वेदनी कर्म का आश्रव होगा। और अगर उसके होने पर समता परिणाम रखा और शरीर के स्वरूप का चिंतन किया, कर्म के उदय का चिंतन किया,
तदनुसार होने वाला कार्य है, ये मुझ में नहीं हो रहा, ये सारा कार्य तो शरीर में हो रहा है। जब ऐसा चिंतन करेंगे तो क्या होगा, ज्ञानीपना रहेगा, उसमें उलझेंगे नहीं, नवीन कर्मबंध नहीं होगा। नवीन कर्मबंध अज्ञान दशा में होता है। सुखी दुखी होने पर अगर संपत्ति अधिक आ जाए और सुखी अनुभव करता है तो भी सुखी अनुभव करना भी कर्मबंध में कारण है। संपत्ति का नाश हो जाए, दुखी अनुभव करता है तो भी कर्मबंध का कारण है। परिणाम कैसे रखें, हमेशा समता परिणाम, ना सुख रूप ना दुख रूप, ना हर्ष रूप ना विषाद रूप, ना अच्छे मानने रूप ना बुरे मानने रूप। आत्मा का काम जानना देखना है, जानना देखने तक कोई बुराई नहीं, लेकिन जानने देखने में ये अच्छा है ये बुरा है, जब राग द्वेष का प्रवेश हो जाता है तब वो चीज़ कर्मबंध में कारण हो जाती है। ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा होता है, संसार की सारी दशाओं को अच्छी प्रकार देखता है, लेकिन वो जानता है ये तो संसार है, इसमें ऐसा ही होता है, सब कर्मोदय का फल है, मेरी ये दशाएं कर्मोदय से हो रही हैं, मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा मात्र हूँ। ऐसा चिंतन करने से उसके तत्संबंधी राग द्वेष परिणाम नहीं होते और नवीन बंध का भी अभाव रहता है, इसलिए ज्ञानी हमेशा ऐसा ही चिंतन करते हैं। ज्ञानी हमेशा ऐसा ही चिंतन करते हैं और इससे उनके नवीन कर्मबंध नहीं होता। और अज्ञानी तो वस्तु का प्रसंग उपस्थित न होने पर भी निरंतर गलत ध्यान में परिणति करता रहता है, उससे उसके वह कार्य न होते हुए भी तत्संबंधी पाप का अज्ञान के कारण बंद होता है। गाथा 207 का पद्यानुवाद देखें। होता यदा उदय पुद्गल क्रोध का है, तो भाव क्रोध उगता रिपु बोध का है, होगा नहीं ये विभाव स्वभाव मेरा, ज्ञानी निरामय निरा नित में अकेला। दूसरी पंक्ति देखें, तो भाव क्रोध उगता रिपु बोध का है, जब पुद्गल क्रोध का उदय होता है तो भाव क्रोध उत्पन्न होता है जो शत्रु है ज्ञान का, अर्थात उसके होने पर ज्ञान समाप्त हो जाता है। जय जिनेन्द्र।